वरना स्कूल में क्या खाती हूँ लंच में? मैं समोसे खाती हूँ। कितने समोसे? कभी एक कभी दो। कितने का मिलता है एक समोसा? कई बार। मेरी प्यारी सी जिंदगी। बड़ी तमीज आ गई माशाल्लाह भाई। पापा ने सिर्फ हल्की सी बुराई की है, सिर्फ उल्टी लगा दी। सब लगाओ यूं करके, सब उठा के लगाओ। अरे ये थोड़ी लगेगा इसके अंदर। मैं जल्दी जल्दी रेडी हूँ, जल्दी जल्दी रेडी हूँ, जल्दी जल्दी। तो गाइस टाइम 8:15 बचे हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मामू उठी हुई है अभी, फरिया उठी हुई है क्योंकि फरिया का है स्कूल। तो मैंने सोचा कि मैं भी उठावा हूँ, तो फरिया को मैं स्कूल छोड़ने चले जाता हूँ आज। नहीं नहीं आप करो। मेरी जो है ना सुबह पता नहीं कैसे आँख खुल गई, तो मैंने बाहर आके देखा तो फरिया स्कूल जा रही थी। तो मैंने बोला इसको आज मैं ही छोड़ देता हूँ। वैसे तो ये जाती है ड्राइवर के साथ, और अगर कुछ बाहर से अच्छा मिल गया खाने को तो नाश्ते का खाना भी ले लेंगे, या खाने के लिए नाश्ता ले लेंगे। अगर कोई अच्छा मिला तो आपके लिए लेकर आऊँ? नहीं नहीं, मैं नहीं करती सुबह। बाकी इधर भी सब सो रहे हैं और इधर भी सब सो रहे हैं, तो अब चलते हैं भाई फरिया को छोड़ने। फरिया हो चुकी है फुली रेडी। क्या लेकर आ गई? जैकेट तुम्हारे लिए। नहीं। क्यों? हाँ वसीन ठीक है। मॉम ठंडी हुई है। मॉम मैं बर्फ में चले जाता हूँ जैकेट के बगैर तो। ठंड तो वैसे हो रही है लेकिन मजा आ रहा है ठंड को एंजॉय करते हुए। गाड़ी 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 गाड़ी, ओ गाड़ी तो बाहर ही खड़ी है, लेट्स गो। ओए 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 कौन आ गया? ओए ताज डॉन भी आ गए हैं। ताजन हाउ आर यू? ताजन नाश्ता मेरे के दिल कर रहा करने को बाहर, तो नाश्ता साथ करें आज? इंशाल्लाह साथ करेंगे। बस ठीक है, फरिया को फटाफट से छोड़ते हैं और फिर हम चलते हैं नाश्ते पे। भाई सुबह सुबह मैं उठा, बिल्डिंग के जो सारे बच्चे दिखे, मैंने बोला अरे भाई सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फरिया को छोड़ते ही नहीं है अभी, थोड़ा सा घूमना, हमने हम जल्दी निकल गए। कहाँ घूमना है अभी? स्कूल, स्कूल जाने का टाइम है। घूमने टाइम नहीं है स्कूल में, जल्दी आ गई हूँ। स्कूल जाते हुए कौन सा घूमने का टाइम आ गया? घूमने हमें, ये तो अलग जिद पाल ली। एक तो मैं छोड़ने भी जाऊँ पर तो घुमाऊँ भी। सुबह सुबह मैं निकला हूँ यार, सुबह सुबह भी काफी ज्यादा भाई ट्रैफिक का जो है ना वो हाल है बुरा। और ये ट्रैफिक जो है ये ऑफिस प्लस स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इन सब की है। सुबह का टाइम है ना वो थोड़ा बहुत सा फ्लक्चुएट हो रहा होता है किस तरह से, क्योंकि कोई निकलता है 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, तो ट्रैफिक पता नहीं लग रहा इतना। वरना रात को क्या होता है 6 बजे के सबका ऑफ हो जाता है भाई। 6 बजे से जो निकलना शुरू होते हैं लोग, वो 2-3 घंटे तक निकल ही रहे होते हैं बस। और अभी हम साथ साथ फरिया को घुमा भी रहे थोड़ा बहुत सा, ताकि फरिया जो है वो हैप्पी होके स्कूल जाए। अगर कुछ खुला होता ना खाने पीने का तो फरिया को हम खिला पिला भी देते। वैसे कुछ मिलता है? कुछ दिला दो स्कूल के लिए, कुछ लंच के लिए दिला दो। बस ठीक है यार, सिर्फ और सिर्फ गाइस दूध दही की दुकान खुली हुई है और अंडे वंडे मिल रहे हैं बस, बाकी तो सब बंद है भाई। गाइस मैं इसको बस टाइम पे स्कूल पहुंचा दूं, लेकिन कुछ लेना भी है भाई, इससे बात हो गई हमारी, अब तो लेके देंगे इसको कुछ ना कुछ। वरना स्कूल में क्या खाती हूँ लंच में? समोसे खाती हूँ। कितने समोसे? कभी एक कभी दो। कितने का मिलता है एक समोसा? एक समोसा 30 का मिलता है शायद। आलू वाला चिकन वाला? आलू वाला। स्टोर 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 से कुछ लेना है क्या? जूस वूस जो मिलते हैं, जूस ये स्नैक्स वगैरह कुछ भी देख लो। ये खुला हुआ जनरल स्टोर, चलो इधर से कुछ लेते हैं। अरे भाई आ गए स्टोर के अंदर। ओए ये तो बेकरी प्लस स्टोर है। ओए बता क्या चाहिए? कबाब वगैरह भी सब है। सैंडविच? अच्छा मैं एक ये ले लें और मुझे एक ला देता हूँ, ये भी बहुत अच्छा होता है। और ये छोटा सा मिनी पिज्जा भी ले ले। तो भाई ये लिया हमने कुछ सामान, जिसमें से मेरा भी और फरिया का भी है। तो हो चुका है भाई मेरी स्कूल का सामान, थैंक यू। भाई मैंने अंकल से एक एक्स्ट्रा थैली ले ली, मैंने बोला फरिया तो मैं इसमें डाल के दे दूंगा ताकि तुम स्कूल ले जाओ। हाय बच्चों, हाय। भाई हमारी गाड़ी यहीं खड़ी हुई थी, तो बाहर से जो सब्सक्राइबर्स भी आ गए वो भी स्कूल ही जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। चलते डायरेक्ट स्कूल। चलो बाय 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 बाय। चलो जी भाई, तो भाई छोड़ दिया फरिया को स्कूल और अब चलते हैं भाई डायरेक्ट घर। घर के नीचे जाके हम लोग कुछ खाएंगे भी, क्योंकि हमने सामान ऑलरेडी ले लिया है। ताजदोन यार चाय का बंदोबस्त जो है ना वो घर के नीचे ही कर लो। ये बात है, ये मेरा भी ये इरादा था। पहुंच गए भाई घर। ताजदोन ये साइड में जो आपका एक और आपके लिए मैंने ये भी लिया था, ठीक है। गाइस चाय नहीं पी रहे, चाय का प्लान था लेकिन चाय से जो ना फिर नींद उड़ जाएगी, तुमने सोना जाकर। लेट्स गो यार, सुबह सुबह का जो मजा है ना, आए है। ओके जी, तो घर आके मैं सो गया था और अभी टाइम हो रहे हैं भाई 4:30। उठ चुके हैं भाई सारे घर में, टमाटर सेटेड बॉय भी, मॉम और फरिया अगेन स्कूल से वापसी भी आ गई। मजा आया था स्कूल में, चीजें खाई होंगी तुमने ब्रेक में, तो बहुत मजा आया। मैं दोस्तों को बताया था मुझे रोज लेके जाना, रोज चीजें नहीं दिलाऊंगा, कभी क्या वाले करा तभी चीजें दिला दी। हाँ कहीं सारे बच्चे जिद कर रहे हो अपने फादर के साथ के भाई हमें भी चीज और फरिया जितनी दिलाई है। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, खाने में क्या है, खाने में क्या है? ओए और मेरा फेवरेट खाना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार। गाइड जैसे उठा वैसे मेरे पास नाश्ता आ गया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर बड़ों को खाना हो रहा है, यहाँ पर बच्चों को खाना हो रहा है। दोनों महाराजा लेटे रहते हो क्या? ये लेटा रहता है, ये लेटा रहता है। मैं बैठा हूँ, देखो मैं तो उठा हुआ है, तुम लेटे हो।
देखो पापा का मुन्ना उठ गया माशाल्लाह। तो पढ़गा रही है किचन में, कौन पढ़ता है समझना है तो किचन में आना पड़ा। पागल हो गए किचन में, वहाँ बैठ टेबल पे, बैठ टेबल पे जाके बैठ। नहीं किचन में सही है, पुप्पू हो गई है पागल। मैं जब भी सो के उठा है और कुछ हल्का हल्का सा बुखार हो रहा है, हल्का हल्का सा उसको बुखार हो रहा है, समझ जाओ कि ये जो है ना लेजी हुआ हुआ है। तो यहाँ जाओ आजा। ये छोड़ो 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 इसको, गुड्डा तुम बिठा रहे हो ना उसको, बैठने को पसंद नहीं है उसको, बैठना नहीं है, खड़ा होना है। हाँ आज पापा आज पापा का प्यारा मुन्ना, आज पापा आज तबियत खराब है सबको, बस देख रहा है जाएगा नहीं किसी के पास। चलो पढ़ो फ्रॉग लिजर्ड स्नेक क्रैब फिश। अबे ऐसे पढ़ेगा ढोल बजा रहा है बराबर में, ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं। चलते जो बुक बंद कर दी, वो कह रहा नहीं पढ़ना मैंने। नहीं लेकिन ऐसे से पढ़ेगा ना, अभी इसको तो पता ही नहीं है, उसको पहले ए सीखेगा फिर बी, पहले वो तो बोले बस अभी देख सकता है। पापा भी आ गए भाई, कान की दवाई। क्या हुआ कान में? कान में दर्द है ना अभी, तो ठीक नहीं हुआ कान का दर्द। आज ऐसे डॉक्टर के पास गया था, ये इंजेक्शन है तो उसने जो है उसको खोला, इसमें पानी डाल के बोला कान में डालो, ये कान में कतरे डालो, इंजेक्शन ही लगाया कोई पागल डॉक्टर था। देख रहे फिर क्या खा रहे हो दिखाओ, भागो नहीं नहीं भागो नहीं भागो नहीं। गाइस देखो सारी फिशेस जो है ना गिरा दी है, ये गेम था ये वाला जो कि मेरा बचपन में बहुत फेवरेट था, कि ये जो है ना इधर होती है और ये उसकी होती है रॉड जिससे हमें इसको पकड़ना होता है। मैं पकड़ के दिखाता हूँ, काफी मुश्किल है भाई क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे होता है। आजा आजा आजा, ओए आ गई ये मेरा फेवरेट गेम था, और बासिल जो इसको खेलता ही नहीं है। मछली अंदर से निकालते हैं और मुंह में खाना शुरू। ये क्या खा रहा है? बेर की बेर की गुटली खा रहा है, गंदा। बेर खाने का होता है, गुटली का कौन खाता है? फिश भी खा रहा होता है, ये उठा उठा के देखो, ये देखो वो लगाएगा। ओ ओ ओ ओ, बड़ी तमीज आ गई माशाल्लाह भाई। पापा ने सिर्फ हल्की सी बुराई की है, सिर्फ उल्टी लगा दी। सब लगाओ ये यूं करके, सब उठा के लगाओ। अरे ये थोड़ी लगेगा इसके अंदर, ये देखो निकालना 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 निकालना। और ये जहां इसकी बुराई कर रहा हूं वहां पर ये रख रहा है, और जहां पे तारीफ कर दूं तो फिर ये खा रहा है। अब उल्टी फुल्टी कोपड़ी हो गई बुखार में क्या? हाँ पकड़ भी रहा है अब नहीं आएगा, तुमसे नहीं पकड़ा जाएगा। पापा को ये दवाई दी है डॉक्टर ने, ये बच्चों को देते ना ज्यादातर, नहीं बड़ों के लिए होती है, लेकिन कैप्सूल देते हैं इसके। हाँ। सिरप थोड़ी देते, उन्होंने सिरप दिया है पापा। जाओ खेलो ताया खिला रहे, जाओ जाओ ताया फिश पकड़ लो, जाओ ना ताया फिश पकड़। ओ भाई गोद में आने को बोल रहा, मैं ले नहीं रहा। ताया के साथ क्यों नहीं खेले? ताया के साथ खेलो, चलो ताया के साथ खेलो। ताया के साथ क्यों नहीं खेलते हो? नहीं पकड़ी जा रही क्या? पकड़ ली भाई पकड़ ली। जीजे कैसी खेल रहे भैया, क्या हो गया है? जो ना ये बहुत जिद्दी करता है यार, बहुत जिद्दी हो गया है, समझ से बाहर है मैं, से क्या करूँ लगेगा। अच्छा अच्छा पता क्या बोल रहा है? बोल रहा है उठो मुझे लेकर, ये देखो ये झंपे मार है ना मेरी गोद में, ये उठने को बोल रहा था, ये देखो अब मैं उठ गया बच्चों। ये मेरी गोद में भी ऐसी बोलता है, मैं खड़ी भी हूँ ना अभी, तुम नहीं होगे तो मेरी गोद में आ जाएगा ये, बार बार आएगा ये। क्या निकालो बाहर, निकालो बाहर, निकालो बाहर, निकालो। बैठो बैठो बैठो, आपका बैग बन रहा है, उसके बाद चलते हैं डॉक्टर के यहाँ, आपको नेबुलाइज करवाना है, नसला बहुत ज्यादा हो रहा है, दिखाओ नसल दिखाओ। मैं इसको कैप पहना रही हूँ, आप इसको नीचे लेकर जाएं और मैं आ रही हूँ। चलो पहनो, बस चलो बस इतना पारा बच्चा, वाओ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं भाई डॉक्टर के लेके, इसको आज है शायद चौथा है पांचवा दिन नेबुलाइज का। गाड़ी 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 गाड़ी, पापा की गाड़ी किधर है जल्दी बताओ किधर है? अरे भाई गाड़ी नहीं मिल रही भाई, वो खड़ी पापा की गाड़ी देखो, वो खड़ी। मम्मा आ रही है, मम्मा ने बोला है पहले बासिल को लेके जाओ, ताकि बासिल चुप तो हो जाए, क्योंकि बासिल ऊपर इतना रो रहा था, ये भाग जाने के लिए इतना रोता है ना, और ये आजकल मुझसे इतनी जिदे कर रहा है, पूरे घर में सिर्फ मुझसे जिदे कर रहा है। मेरे पास आएगा रोएगा टांगे मारेगा कि मुझे बस गोद में लो और बस लेके चलो कहीं बाहर। मेरी प्यारी सी जिंदगी, बहुत प्यार करते हैं। मेरी जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं, बट मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि कुछ ये होता है ना सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, तो मैंने ना अब बातें करना बहुत छोड़ दिए यार, मैं बातें बस दिल में रख लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कहूँ ही नहीं सब्सक्राइबर्स कुछ भी। तुम लोग अगर मुझे कहोगे कि यार भाई आप अपने ब्लॉग में अपनी सोच भी बताया करो, अपनी ओपिनियन भी रखा करो हर चीज़ के रिलेटेड, और अपने दिल की भी हाल बताया करो, तो फिर मैं बताऊँ, तो तुम लोग बताओ जरा एक बार। ओ भाई हॉर्न नहीं बजाना, हॉर्न नहीं बजाना, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मम्मा तो आ गई, कौन बजा रहा था? ये बासिल ने बजाया है, जाओ बजाओ हो बजाओ। अबे भाई ओए देखो भाई, देखो भाई हैंडल घुमा, ओए 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 गाइस हैंडल घुमा रहे बेटा, पागल हो गए क्या? बुखार जल पे चढ़ गया इसके। चलो भाई चला ले चला ले, लेट्स गो भाई। पहुंच गए भाई हॉस्पिटल, आहा पापा के मुन्ने के बैग इस अगले 15-20 मिनट के लिए। आहा थप्पड़ लगा दिया, आ जाए दवाई बन गई है। चलो क्या हुआ? दवाई बन गई बस, अब जिद नहीं। जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना मास्क का, बहुत जिद कर रहा है। फटाफट लो, चलो फटाफट लो बेटा, ले लो फटाफट ले लो, मेरा पापा का प्यारा मुन्ना। तो भाई नेबुलाइज हो गया है डन, और अब बासिल को हमें लेके जाना है
बासिल का मॉइस्चराइजर लेने, क्योंकि इसको डॉक्टर ने मना किया कि यार बड़ों वाले जो मॉइस्चराइजर है वो नहीं लगाओ क्योंकि उसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा है, तो बच्चों के हमें कहीं लेने जाना है। लेट्स गो। चलो भाई, इसको जो हमने इंजेक्शन पकड़वा दिया है जिसमें हमने नॉर्मल स्लाइन डालकर इसको नेबुलाइज किया था। मैं एक बात बता चलूं, नेबुलाइज जो है ना बच्चों की अच्छी सी टिप दे रहा हूँ, वो ये है कि घर में कर लो तो बेस्ट है। डॉक्टर के आके डॉक्टर के जो बेड है उसकी फी चार्जेस दो, ठीक है। उसके बाद बच्चे वहां पर इतना रोते हैं कि वो जो है ना लाइक स्टार्ट हो जाता है और फिर वो जाया हो जाता है, फायदा नहीं होता। इससे अच्छा घर में ले लो नेबुलाइजर का छोटा सा और उससे करो। नहीं ले लो ना, ये नहीं नहीं कितने ये ले लो मुन्ने के लिए। अरे मुन्ने के लिए क्यों, ना हमारे पास होता है तो फिर भी इसको उड़ाएंगे। नहीं, नाक साफ करो इसकी। तो गाइस मॉइस्चराइजर जो है वो हमने ले लिया है, बट जो डॉक्टर ने दिया था ना वो वाला नहीं मिला है। इसकी नाक साफ करें, बहुत बेहतर है। चुपके से गंदी पड़ती है नाक साफ। चलो बस बस रोनी आए भाई बाहर निकले तो शकरकंदी यहाँ पर लगी पड़ी है। ओ भाई मीठी, बिल्कुल मीठी, एकदम हलवा। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? ठीक हो, मजे में हो? गुड हो। शकरकंदी खाओगे? नहीं अरे खाओ यार। अरे बुट्टा खाओगे? बुट्टा नहीं कुछ तो खाओ यार। कुछ भी नहीं, मीठी सी शकरकंदी लेते हैं भाई, जो कि बिल्कुल ही हलवा हो। चलो जी, चलो जी चलते हैं भाई घर। और शकरकंदी जो हमने वो ले ली है भाई, मसालेदार। आए खा के देखते हैं क्या टेस्ट है भाई इसका। मीठी है? हाँ मीठी है। लेवल है यार। चलो बाय 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 बाय, मैं आ रहा हूँ ऑफिस से। आप लोग खाना वाना खाओ, मैं आके खाता हूँ। चलो 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 चलो। तो भाई पहुंच चुके हैं ऑफिस और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यार हमारा जो है वो ओनली ऑर्स भी दोबारा से रीस्टॉक हो चुका है। ये रहा हमारा ओनली ऑर्स। अरे भाई जैसे ही आता है ये वैसे ही चले जाता है गाइस। और हमारा ये 2x मास सफदर भी जो अभी हमारा काफी टाइम बाद रीस्टॉक हुआ था, ये भी काफी जो है लोगों को पसंद लगा है, तो अभी इसका भी स्टॉक हमारे पास पड़ा है। सो जल्दी जल्दी से ऑर्डर करो भाई, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फटाफट से मंगवा लो। फिर रात हो गई भाई, मैं अभी नीचे ऑफिस में बैठा था, तो डिस्कशन चलती रहती है हमारे बिजनेस के बारे से कि यार आगे क्या करें, आगे क्या करें, आगे प्लान्स ये वो। ये हमारे एम है कि हमने जो प्रोग्रेस को ना काफी अपना आगे लेके जाना है। तो निकल पड़े हैं घर के लिए, ऑफिस हो गए फ्री। ओए होए होए होए, ऑफिस में तो टाइम पता लगता ही नहीं है गाइस। बाकी कुछ सैंपल फैम्पल्स पकड़ लिए आपके भाई ने यार परफ्यूम्स के, जो की हम अपने घर पे रखेंगे अपने पास। एक हाथ मैंने गाड़ी में भी रखना यार, मेरी गाड़ी की जो ना ये जगह खाली पड़ी हुई है यार। पहुंच गए जी घर। अरे गेट तो खोलो। इधर है भाई बाबा का मुन्ना। ये क्या है, गाड़ी को लगाई हुई है? अरे बासिल ने लगाई था कि कमरे में कोई ना। पापा गंदे पापा हैं, उठा देते मेरे बेटे को। बुखार हो रहा है इसको इतना। अरे इसको दवाई लाल हो रही है ना, उसके ऊपर चढ़ेंगे इसको सांस कैसे आएगी। अच्छा मैं जो है ना वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, तो दोस्त ने मुझे बोला इसको तुम लोग क्या दवाई दे रहे हो ना। तो मैंने उनको बताया मैं यही दवाई दे रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि इसको जो ना वो एंटीबायोटिक लगा दो, एंटीबायोटिक लगा दोगे ना इसको तो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ वायरल होते हैं जो कि एंटीबायोटिक से ही ठीक होते हैं। काफी टाइम हो गया सर इसको एंटीबायोटिक देते हैं। अभी तुमने इसको हॉस्पिटल दोबारा लेकर जाओ, वहाँ इमरजेंसी में ना बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पर उनको बोलो कि इसको देखें। खाने से बहुत भूख लगी है। आपने कुछ नहीं खाया? आप क्या लेकर आए? परफ्यूम लेकर आए। अच्छा मैं समझी कुछ खाने के लिए। तो पकड़ो भाई ये लो जाओ। नहीं आएगा मेरे पास अभी, नहीं जा रहा किसी के पास भी। फिर तुम जबरदस्ती मामा का भी बाबा छोड़ दो। मुझे खाना खाना था और बासी मुझे छोड़ ही नहीं रहा। तो भाई खाने में जो है आज है वो कीमा मटर। इधर आ गई भाई रोटी। आजा भाई आजा 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 आजा। आज मसाला घर में रोटी बनी है। हाँ। अरे वाह, तो खाते में फटाफट से रात का खाना। तो ये खाना हो गया फिनिश और अब है भाई बड़ा टास्क जो कि है बासिल को दवाई पिलाने का। जल्दी किक कर दो। हाँ हाँ किक कर दो, किक कर दो। 1 2 3 किक कर दो। वो किधर है दवाई? कमरे में लेके आया ना बच्चा। भाई इधर ही पिलाऊंगा इसको मैं भाई, मैं डमांडस डमांडस पकड़ेगा, उसको डमांडस पकड़ेगा। आ जाओ पहले मैं इसको पिला दूं। आ करो आ करो आ करो आ करो, बीच चढ़ना शुरू। अबे भाई अच्छा गोद में ले लिया, बस अभी जो दवाई आ रही है 1 2 दवाई जल्दी लेकर आओ मम्मा। भाई मम्मा को बोला दवाई लेकर आओ, मम्मा वो दवाई लेकर आ रही है। भाई ये बहुत खतरनाक टास्क है, मैंने शायद तुम्हें कभी दिखाया नहीं दिखाया, वरना रात को इसको दवाई मैं रोज पिलाता हूँ, व्लॉग तो एंड हो जाता है, बट ये जो जिद करता है रोता है देखना कैसे पीता है। मॉम जब तक आप इसको बिजी रखो, कार्टून शार्टून दिखाओ, कार्टून देखो जब तक। 3 ड्रॉपर हमने इसको, हाँ बस ये 3 हो गया बस। दवाई से पहले ही रोना स्टार्ट। रुको दवाई नहीं पीता है बच्चा, ऐसे दवाई कैसे पिला रहा था? जबरदस्ती जबरदस्ती पीता पीता है भाई ये। अब ये फुल ड्रॉपर है। सारी पी ली इसने दवाई, सारी पी ली। कैसे पी तू? ये तो देख, अब चढ़ गया, अभी अच्छा खासा लेटा हुआ था। बासिल को टमाटर से बलून पकड़ा दिया तो चुप हो गया है। अभी बच्चे बड़े परेशान होते हैं यार बुखार में। मम्मी कह रही है 2 दिन मेरे पास छोड़ो, बच्चा बिल्कुल सही करके दूंगी। कैसे?
कोई मैजिशियन है तुम्हारी अम्मी क्या? हाँ अम्मी को टोटके वो बताते हैं ना, जैसे दादी को आते हैं ना, अम्मी को भी देसी टोटके वो बताते हैं। अम्मी कहते छोड़ दो, मैं सोचूं चली जाऊं। वाह क्या प्लान बनाया है दी आपने, मुझे लगता है नहीं बोला होगा लेकिन इसने अपने पास कुछ कह दिया मुझे। तो क्लाइमेट चेंज तो इस बार बड़ा हुआ है भाई, जनवरी के मिड आ गया बट बर्फ नहीं पड़ रही है सवात में, और लाइक उससे भी आगे और मरी की तरफ भी, नथिया गली की तरफ भी। एक बार पड़ी थी उसके बाद से नहीं पड़ी है। लाइक इस व्लॉग को कमेंट और शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर देना यार। तो बाकी तुम्हें व्लॉग देखने में मजा आया होगा, और बासिल जैसे ठीक होगा ना तो उसके बाद ही थोड़ा बहुत हम घूमने फिरने बाहर जाएंगे, वरना बाहर नहीं जा पा रहे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखो, थैंक यू सो मच।